मॉडलिंग, मटेरियल राइटिंग, रेंडरिंग, इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम अपने रेंडरिंग्स को फाइनल टच देने के लिए यूज़ करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग अपने इमेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फिल्टर्स को ऐड करते हैं, लट्स का यूज़ करते हैं और उसको एक रियलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए मैक्सिमम यूज़र्स या तो फोटोशॉप का यूज़ करते हैं और कुछ परसेंट यूज़र्स यूज़ करते हैं कैनवा का, लेकिन ये दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हैं ये लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। कैनवा आपको फ्री वर्जन में मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको सभी फीचर्स अनलॉकों के नहीं मिलेंगे। अगर आप उसकी लेटेस्ट फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके प्रो वर्जन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हमारे पास टाइम आ गया है AI का, एंड AI हमें प्रोवाइड करता है स्टेबल डिफ्यूज़न विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। स्टेबल डिफ्यूज़न के अंदर ना सिर्फ आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, इवन आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की AI बेस्ड इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें यूज़ करना होता है प्रॉम्प्ट्स का। स्टेबल डिफ्यूज़न एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, लेकिन इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सो कैसे स्टेबल डिफ्यूज़न को इंस्टॉल करना है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, कौन कौन से ऑप्शन हमें वहाँ पर गिवन होते हैं, कैसे हम लोग मॉडल्स को ऐड करते हैं, किस तरह से हमें इमेजेस को क्रिएट करना होता है, एंड फाइनली कैसे आप स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करके अपनी रेंडरिंग्स को एक रियलिस्टिक अप्रोच दे सकते हैं, वो सारे ही स्टेप इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो ये वीडियो आप सभी यूजर्स के लिए होने वाला है। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के वीडियोस फ्यूचर में भी लेके आएँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वन मोर थिंग, अगर आप सिविल से रिलेटेड प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 45 से ज़्यादा कोर्सेस मिलने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डोंट वरी, सभी एप्लीकेशन के जो लिंक होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकें। सबसे फर्स्ट जो लिंक है वो आपके यहाँ पे रहेगी पाइथन के लिए, तो आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है। थोड़ा आप यहाँ पे करेंगे स्क्रॉल, एंड यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है विंडो इंस्टॉलर का, सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से आप इसे कर देंगे स्टार्ट। जैसे ही ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, आपको यहाँ पे इसको करना है इंस्टॉल। सो राइट क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ से आप इसे करेंगे रन एस एडमिन। यहाँ पे आप सिंपली से करेंगे येस, मेक श्योर एड पाइथन 3.102 पाथ, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक हो, एंड सिंपली आपको यहाँ पे इसे क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। गॉट इट, यहाँ से आप कीजिए इसे क्लोज। वापस से हम लोग जाएंगे अपनी साइट्स के ऊपर। फर्स्ट आपने पैथन किया, सेकंड आपको यहाँ पे करना है गेट। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ से आप इसे करेंगे डाउनलोड। राइट क्लिक, रन एस एडमिन, एंड यस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन को करना है इंस्टॉल, और उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपली आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉस, इसका जरूरत भी नहीं रहेगा। आप कहाँ पे इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो फोल्डर आपको यहाँ पर एक डिफाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पर मैं करूँगी एक फोल्डर को क्रिएट, एंड यहाँ पर हम करेंगे स्टेबल। डिफ्यूजन एंटर कर दीजिए, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD इन एंटर। इसके बाद एक नोटपैड फाइल के अंदर मैंने आपको एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है, सिंपली आप उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, एंड यहाँ से आपको करना है एंटर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ चेक पॉइंट मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसका भी लिंक हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, सो दैट आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाए। फाइल डाउनलोड होने के बाद ये बेसिकली आपकी यहाँ पे लोकेशन रहेगी, और इस लोकेशन के ऊपर आपको उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
नाउ इस पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप और यहाँ पे चेक पॉइंट्स को कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग अभी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ आपको यहाँ पे कर देना है बैक, एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा वेब यूआई यूजर विंडो बैच फाइल। मेक श्योर शेल स्क्रिप्ट और विंडो बैच फाइल दो सेम है, तो यहाँ पे आपको बैच फाइल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे करेंगे रन स्टेटमेंट एंड सिंपली आप यहाँ पे इस पे कर देंगे यस। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप स्टेबल डिफ्यूजन को ओपन करेंगे ये पूरा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐड करने के लिए, ये होता है पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, ये आपका होगा यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होता है कि लाइक जिस भी तरीके का इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं उस इमेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं कि आपके इमेज में हो वो आप इस टैब में ऐड करेंगे, और जिन चीज़ों को आप यहाँ पे नहीं चाहते कि आपके इमेज में वो चीज़ ऐड हो वो आप यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेकर के चलते हैं, लेट सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर एक फॉरेस्ट का इमेज, तो मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट इमेज ऐड किया, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको किया जनरेट। आप कंट्रोल प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हैं जनरेट करने के लिए। सो विद इन सम टाइम, डिपेंड करेगा वो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे एज वेल एज आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि वो कितना फास्टली यहाँ पे उस चीज़ को जनरेट करता है। एंड लुक, यहाँ पे क्या हुआ, आपका फॉरेस्ट का इमेज यहाँ पे कैप्चर हो गया। बट क्या फॉरेस्ट को मैं ऐड करूँगी तो सिर्फ इसी तरीके का इमेज आएगा? डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की प्रॉम्प्ट्स को ऐड कर रहे हैं। ऑल्सो पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरा यहाँ पर ये वर्क करता है कि आपने स्टेबल डिफ्यूजन चेक पॉइंट में क्या चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो स्टेबल डिफ्यूजन चेक पॉइंट होता है वो यहाँ पे आपको सिंगल मिलेगा, लाइक V15 एंड दिस वन, ये वाला आपको यहाँ पे मिलता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को ऐड कर पाएं, जैसे फॉरेस्ट ही मैंने ऐड किया तो मेरे को एक ये इमेज मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान के चले कि मैंने यहाँ पे रियलिस्टिक विजन टाइप किया, ठीक है, फॉरेस्ट ही प्रॉम्प्ट है, मैंने यहाँ पे इसको जनरेट किया। इस टाइम जब आप जनरेट करोगे तो आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर मिलेगा, एज वेल एज उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, लाइक इस तरीके का। आप यहाँ से कोई और उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया ड्रीम लाइक डिफ्यूजन, इन्हें यहाँ पे जनरेट करूंगी तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक डिफरेंट पिक्चर और उसका डिफरेंट इम्पैक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जैसे अभी आपको इस तरीके का मिल गया। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, आपको अलग अलग तरीके की इमेज यहाँ पे कैप्चर करके प्रोवाइड करेगा। ये पूरा पूरा जो वर्क है वो यहाँ पे ये चीज कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे एक एक के अंदर अलग अलग प्रॉम्प्ट्स में, जैसे सिंगल प्रॉम्प्ट है लेकिन आप अलग अलग इमेज नहीं क्रिएट कर पाओगे। जैसे एक फॉरेस्ट का इमेज मेरे पास ये आ रहा है, वापस से जनरेट कीजिए, आपको एक डिफरेंट काइंड का फॉरेस्ट इमेज मिलेगा, लेकिन जो पीछे उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको सिमिलर मिलने वाला है। सो ये जो ऑप्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, हम लोग बाकी ऑप्शंस को ऐड कैसे करेंगे। तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती है और उसी में से एक वेबसाइट है सिविट AI। यहाँ पे आप इस पे जाइएगा एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे आपको डिफ्यूजन मॉडल्स मिल जाते हैं काफी सारे, तो किस तरीके के मॉडल्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा जो इमेजेस वगैरह आए वो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिले। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स मिल गए हैं, लाइक ये प्रॉम्प्ट्स आप ऐड करोगे तो आपको इस तरीके का इमेज मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सेम को यहाँ पे यूज करके देखते हैं, मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्या किया इसके अंदर पेस्ट कर दिया, एंड जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स जो मुझे अवॉइड करने थे, लाइक क्रॉप पिक्चर हो गई तो यहाँ पे क्रॉप पिक्चर नहीं है, टाइलिंग दैट मीन्स रिपीटेशन मोड नहीं आना चाहिए, पुअरली ड्रॉन हैंड्स, पुअरली ड्रॉन फीट, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे अवॉइड करने, मैंने यहाँ पे किया कॉपी, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट एंड सिंपली मैं यहाँ पे करूँगी इसको जनरेट। तो मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पिक्चर मुझे जनरेट करके प्रोवाइड करेगा।
अगर आप इस पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप इमेज को यहाँ पे सेव कर सकते हो लाइक दिस। ऑल्सो यहाँ पर भी आपको शेयर के ऑप्शन मिलते हैं लाइक सेंड इमेज एंड जनरेशन पैरामीटर्स टू एक्स्ट्रा टैब। अब वापस से मैं क्या कर रही हूँ, सेम ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन डिफ्यूजन चेक पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, कुछ इस तरीके का इमेज है, इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चेंज कर दिया एब्सोल्यूट रियलिस्टिक, ठीक है, V10 सेव 10 से मैंने इसने यहाँ पे इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। एंड नाउ आप यहाँ पे जनरेट कीजिए तो मिलेगा आपको फॉरेस्ट लेकिन एक अलग तरीके का लाइक दिस वन, ठीक है। वापस से करें एक बार, वापस से क्लिक कीजिए जनरेट के ऑप्शन पे एंड ये देखिए। सो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें, सो लाइक नोटिस कीजिए यहाँ पे एंड इसके अंदर देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। एक इमेज आपके पास ये है और एक इमेज आपके पास यहाँ पर ये है, ये यहाँ पे आपकी है रियलिस्टिक विजन के अंदर, ये हमारा जैसे पहले वाला जो हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ तो उसमें है। तो किस तरीके का इमेज कैप्चर हो रहा है, वो पूरा पूरा वर्क किस पे कर रहा है आपके, वो पूरा पूरा वर्क कर रहा है आपका यहाँ पे डिफ्यूजर चेक पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसे यहाँ पे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे एक दफा देख लेते हैं। जैसे ये आपके आ जाएंगे फीचर मॉडल, आपको सिंपली क्लिक करना है एक्सप्लोर ऑल मॉडल पे, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे जाना है बिल्डिंग्स को क्रिएट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स के ऑप्शन पे गई और उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल गए। लेट्स सी मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे चाहिए, तो मुझे सिंपली करना है इस पर क्लिक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन। आप किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाता है, बट मेक श्योर आपको यहाँ पे पहले साइन इन करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ पे डाउनलोड करना है इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आपको जाना है स्टेबल डिफ्यूजन, ये बेसिकली आपकी डायरेक्टरी रहेगी एंड यहाँ पे आप इसे करेंगे सेव। क्लिक किया और यहाँ पे आप इसे सेव कर देंगे, सो कितना बड़ा फाइल है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या वो चीज़ अपडेट हुआ, तो आप ये देखेंगे कि अभी तो अपडेट नहीं हुआ है, तो डोंट वरी आप यहाँ पे जाइए। जैसे ही आप वापस से स्टेबल डिफ्यूजन को ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपकी वेबसाइट यहाँ पे अपडेट होगी और अपडेट होते ही आपने जो मॉडल यहाँ पे डाउनलोड किया है वो मॉडल भी वहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक और आपका यहाँ पे ऐड हो गया है, तो आपको सिंपली करना है सिलेक्ट और जो प्रॉम्प्ट आपको डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लाइक मुझे चाहिए फॉरेस्ट सनी डे नियर ओशन, मुझे नहीं चाहिए एनी डर्ट, ठीक है, अनरियलिस्टिक इमेज कट आउट ऑफ फ्रेम डिफॉर्म हैंड्स और लाइक एनी वाटर मार्क, ये सारी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे लाइक रियलिस्टिक, इसके अलावा सॉफ्ट लाइटिंग, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। सो एज पर आर प्रॉम्प्ट और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा, एक इमेज को यहाँ पे मुझे क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। सो लाइक ये देखिए ये इमेज आपको यहाँ पे मिल गई है, इस इमेज को फिर आप यहाँ पे फ्रीली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि ये तो हो गया कि कैसे आपको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो सेम प्रॉम्प्ट रखते हैं एंड यहाँ पे वापस से एक दफा हम जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, एक और फ्रेम को यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करके दे देगा। देखिए क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, लाइक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज, दैट मींस कि हमारे टेक्स्ट के बिहाफ पे ये क्या कर रहा है किसी भी इमेज को
क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इमेज टू इमेज में जाना चाहते हो कि दो मेथड्स होते हैं, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहेंगे, लाइक आप इमेज को लेकर के आ रहे हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा उसको ऐड करना है, उसको स्केल करना है, उसको रीसाइज करना है, उस तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। मेनली यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगे, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज। ये PNG इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये चेक पॉइंट मर्जर है। लाइक अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल चेक पॉइंट पे चल रहा है, लाइक जो भी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो सिंगल उसमें चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप दो मॉडल्स को मिक्स करो, तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी मॉडल्स चाहिए, लाइक एक मुझे चाहिए आर्किटेक्चर एक्सटीरियर और सेकेंड मुझे चाहिए जो जस्ट मैंने भी ऐड किया है XSRK, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। टर्शियरी भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जनरेशन की। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ सैम्पलिंग मेथड्स लाइक DPM प्लस 22M केरास, DPM प्लस प्लस SGE केरास, यूलर ए, यूलर ह्यून, DPM 2, ये से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये है सैम्पलिंग मेथड, कि ये सैंपल्स किस तरीके से यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप किन सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पे रहेगा DPM प्लस प्लस 2M केरास, आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक यहाँ पे हम लोग यूलर ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि तो ये जो सैम्पलिंग मेथड्स होती हैं ये फास्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आपके पास होता है DDIM, सो 10-1, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला आप इनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर देता है, कम सैम्पलिंग स्टेप्स के अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारों के अंदर क्या रहेगा, मतलब डिपेंड करेगा कि हर एक, क्योंकि सभी सेम नहीं हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या सैम्पलिंग स्टेप्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स सी, मैंने DDIM पे किया और सिंपली मैं यहाँ पे जनरेट करूँगी, तो क्योंकि मेरा वो चीज़ सेम है, प्रॉम्प्ट्स मेरे सेम है, लेकिन मैंने सैम्पलिंग मेथड को यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, सो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक अलग तरीके का इमेज मुझे यहाँ पे क्रिएट करके देगा, लाइक दिस, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है यहाँ पे सैम्पलिंग स्टेप्स, जो कि 20 में मुझे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। अगर मैं इसके सैम्पलिंग स्टेप्स को लिटिल बिट इंक्रीज कर देती हूँ, अप्रोक्स मैंने यहाँ पे किया 35, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा सैम्पलिंग स्टेप्स आप ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपका इमेज रेंडर करने में लेगा, क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पे जनरेट करती हूँ, डेफिनेटली इसका टाइम थोड़ा इंक्रीज होगा, बट एज वेल एज ये यहाँ पे क्या करेगा, आपकी इमेज को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। सो आप यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो, एंड ऑलमोस्ट ये चीज़ यहाँ पे हो गई है, लुक क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग स्टेप्स का मेन एजेंडा है यहाँ पे क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, क्लियर है। सैम्पलिंग मेथड एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको अलग अलग तरीके की पिक्चर्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन सैम्पलिंग स्टेप्स क्या करता है, एक ही पिक्चर के अंदर आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है उसके ऊपर वो चीज़ काम करेगी। जैसे 35 पे आपको यहाँ पे मिल रही है ये क्वालिटी, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर देती हूँ 4 और मैंने वापस से जनरेट किया, तो उसका क्वालिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक अलग तरीके का पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा जिसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कि मुझे सेम इमेज के अंदर कंपेयर करना है कि लाइक 4 सैम्पलिंग स्टेप्स रखा तो कैसा पिक्चर आ रहा है, ज़्यादा रख रहे स्टेप्स तो कैसा पिक्चर आ रहा है, तो उसके लिए पूरा पूरा फैक्टर यहाँ पे काम करता है CFG स्केल के ऊपर। जितना ज़्यादा CFG स्केल आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे किया 30 एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, तो ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर कि क्या मैंने प्रॉम्प्ट्स ऐड किए। फॉरेस्ट आ गया, सनी डे आ गया, नियर द ओशन, सॉफ्ट लाइटिंग, रियलिस्टिक, डर्ट, अनरियलिस्टिक इमेज, इन बाकी की जितनी चीज़ें मैंने ऐड की उसके अकॉर्डिंग ये इसने यहाँ पे क्रिएट किया। CFG स्केल को आपको कभी भी 30 नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी पिक्चर को कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो CFG स्केल को अगर आप देखो 1 रख देते हो, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, 1 रखने पे डेफिनेटली ये अपनी आर्टिस्टिक पिक्चर को आगे लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कहीं पर भी आपके प्रॉम्प्ट से नहीं होगा, क्लियर। जैसे मैं इसको एग्जांपल के लिए 2 रखती हूँ, वापस से जनरेट कीजिए। सो ये यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि चीज़ें यही हैं, इसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जनरेट कर देगा। CFG स्केल को हमेशा आप यहाँ पे
रखिएगा अराउंड, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी प्रोवाइड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम भी आपको नहीं रखना है। लाइक वो प्रॉम्प्ट का भी यूज़ करें और इसका भी यूज़ करें, रियलिस्टिक भी उसको बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे चूज करोगे। क्लियर है? लाइक दिस, देखिए थोड़ा और चेंज कर लीजिए, जनरेट कर लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है कि हम सैम्पलिंग मेथड को चेंज कर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बेस्ट अभी के लिए है DPM प्लस प्लस 2M केरास, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। ऑल्सो सैम्पलिंग स्टेप्स को भी हम लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे। लाइक मान के चलो कि 1:4 पे हमारा ये हो गया, मैं इस इमेज को यहाँ पे सेव करूँगी, सैम्पलिंग स्टेप्स यहाँ पर हमारे थे 4। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सेम इमेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो सीड का वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे प्लस 1 कर दूंगी, 0 कर दूंगी। अभी जनरेट कीजिए, तो यहाँ पे सेम इमेज में चेंज करके देगा मुझे, जिससे 4 पे ये था 12 पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नाउ देखिए, अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सैम्पलिंग स्टेप्स एंड यहाँ पर सीड्स के बीच में। सो लेट्स सी, हम लोग 1 by 1 करके स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट सैम्पलिंग स्टेप यहाँ पर रखा 5, एंड क्योंकि मुझे सेम ही इमेज से कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं करूँगी, मुझे इसके वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा 0, ताकि वो मेरे इमेज को यहाँ पर चेंज ना करे। सो ये मैंने यहाँ पर किया 0, एंड मैंने यहाँ पर 5 सैम्पलिंग स्टेप्स के अंदर इसको क्रिएट किया, तो ये यहाँ पे मुझे ये इमेज मिल गई, ये मैंने किया सैम्पलिंग स्टेप्स 5, ये मैंने सेव किया। नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके स्टेप्स को इंक्रीज कर रही हूँ बाय 10, तो 15 मैंने किया, एंड देन आप यहाँ पे करेंगे जनरेट, एंड लुक, जैसे ही मैंने सैम्पलिंग स्टेप्स को इंक्रीज किया, सेम पिक्चर के लिए मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का चीज़ें मिल गया। ये मैंने यहाँ पे किया 15, एंड यहाँ पे मैं इसको करूँगी सेव। अब थोड़ा और इंक्रीज कीजिए अराउंड 25, एंड यहाँ पे किए जनरेट, सो वो इसी को थोड़ा और रियलिस्टिक बना देगी। एंड एंड वन मोर टाइम हम इसको यहाँ पे करेंगे अराउंड 35, एंड जनरेट। बट एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे मैं सैम्पलिंग स्टेप्स को इंक्रीज करती हूँ, ऑल्सो मेरा जो रेंडरिंग टाइम वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड नाउ लेट्स सी किस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। ये आपको यहाँ पे थे सैम्पलिंग स्टेप 5 के अंदर, ये 15, 25 एंड 35, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस है, बट यहाँ पे आपको बहुत माइनर डिफरेंस दिख रहा होगा 35 और 25 के बीच में, बट अगर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल 15 और इसको कीजिए तो काफ़ी डिफरेंस है। क्लियर है? 5 को करोगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट आपको मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सैम्पलिंग स्टेप उतनी ही बेटर क्वालिटी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सैम्पलिंग स्टेप्स को फुल कर देते तो आपको बिल्कुल एक अल्ट्रारियलिस्टिक इमेज मिलेगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग स्टेप्स का भी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। 20 से 40 के बीच में आपको ऑलमोस्ट रियलिस्टिक इमेज मिल जाती है, उससे ज़्यादा अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको डिफरेंस बहुत माइनर दिखेगा, बट एज वेल एज आपका रेंडरिंग टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई हमें यहाँ पे इस चीज़ को इतना ही रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा विड्थ और हाइट। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसका रेशियो चेंज कि आपको कितना विड्थ रखना है एंड कितना आपको यहाँ पे हाइट रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसमें काम कर लीजिएगा। लाइक अभी के लिए मैंने रखा 1024 by 1024, ये मैंने यहाँ पे रखा, सैम्पलिंग स्टेप 35 इनफ है, एंड यहाँ से मैं करूँगी इसको जनरेट। सो इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरी इमेज को जनरेट कर देगा।
एंड यू कैन सी कि किस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है. सो 35:1 एंड सेव. लुक, ये मेरे को यहाँ पे साइज इंक्रीज होके मिल गया. एंड ये मेरा यहाँ पे साइज थोड़ा कम था, ये मेरे को साइज इंक्रीज होके मिला है. तो ये आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं. अब यहाँ पे आती है बैच काउंट की वैल्यू. तो सबसे पहले मैं इसके साइज को यहाँ पे अभी करूँगी स्मॉल, 520 कर देते हैं, 520 by 520. और यहाँ पे मैंने बैच काउंट की वैल्यू को किया इंक्रीज एंड मैंने यहाँ पे किया 4. सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट के ऑप्शन पे. तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंगल टाइम में 4 इमेजेस को मुझे यहाँ पे क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा. एंड लुक, यहाँ पे इसने क्या किया, 4 डिफरेंट इमेजेस को मुझे क्रिएट करके दिया. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक जो 4 इमेज मैंने क्रिएट की वो एक ही इमेज के अंदर मेरे यहाँ पे काउंट हो गई. ये क्या है, ये बेसिकली है कि आपका बैच काउंट 4 है लेकिन बैच साइज यहाँ पर 1 है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी चारों इमेजेस अलग अलग हों, ठीक है, तो देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देख लीजिए, ये आपको अलग अलग मिल रही है, ये आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं. लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैच साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे क्या करेगा, 2x2 के अंदर आपको उसको प्रोवाइड कर देगा. क्लियर है. सीड बेसिकली क्या करता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने यहाँ पे जनरेट किया तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे जनरेट करके प्रोवाइड करेगा. अगर ये वैल्यू -1 है या फिर आप इसको यहाँ पे शफल कर दो, ठीक है, देखिए ये सीड आप प्रोवाइड करेंगे, डाइस वगैरह पे क्लिक कर सकते हैं, इवन आप वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको अलग अलग तरीके की इमेजेस यहाँ पे जनरेट करके देता है. लाइक इसको हम एज अ वैरायटी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है. और फिर यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, ओपन इमेज आउटपुट डायरेक्टरी. तो कहाँ पे आपने इमेजेस को सेव किया है वो इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली क्या कर देता है, सेव द इमेज टू अ डेडिकेटेड डायरेक्टरी. तो आपको कहाँ पे सेव करना है इमेज को वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ये इसका एक जिप फाइल क्रिएट करके देगा. ये जो ऑप्शन है ये आपके इमेज को डायरेक्टली इमेज टू इमेज टैब के अंदर शिफ्ट कर देते हैं. और ये ऑप्शन आपका इन पिन टैब के अंदर आपको उसको शिफ्ट करके दे देगा. क्लियर है. अब हम यहाँ पे चलते हैं इमेज टू इमेज के अंदर एंड लेट्स सी हम लोग एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करेंगे. इसका जो डिफ्यूजन पॉइंट है ये मैंने यहाँ पे रखा एक्सटीरियर आर्किटेक्चर, ये मैंने यहाँ पे चूज किया. इतना रखा सैम्पलिंग स्टेप्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट रखूंगी 40. विड्थ और हाइट हम यहाँ पे चेंज करेंगे एंड लेट्स सी 1024 के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे रेंडर करेंगे. ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, बैच काउंट 1, बैच साइज 1, CGF स्केल हम ऑलमोस्ट यहाँ पे रखेंगे 5 एंड सीड्स -1 एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट. एंड लुक, इस तरीके का रिजल्ट हमने यहाँ पे किया क्रिएट. अब नाउ लेट्स सी कि इस इमेज को हमें लेके जाना है इमेज टू इमेज फोल्डर के अंदर. आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस टैब के ऊपर. तो ये यहाँ पे अभी हमारा आ गया सेकेंड चीज. तो ये यहाँ पे क्या करता है, इमेज टू इमेज टैब के अंदर आपको उसको लेकर के चला जाएगा. क्लियर है. अब आप चाहते कि आप इस इमेज के साथ इंस्पिरेशन लें और इसी इमेज से सिमिलर आप कुछ यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट करें, तो ये आप यहाँ पे लेकर के आए एंड आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे ऐड किया था सनसेट टाइम एंड लेट्स सी मैंने यहाँ पे एक ऐड किया ओवरकास्ट वेदर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया चेंज. इंटीरियर विद वॉर्म लाइट, सॉफ्ट एम्बियंट लाइट, ये भी यहाँ पे हटा दीजिए, ये भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है. ये मैंने ओवरकास्ट वेदर और
स्टॉर्मी स्काई ये मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड लेट्स सी पहले इस इमेज को एक दफ़ा हम लोग सेव कर लेते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे जनरेट। ऑल्सो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको और मिलेंगे लाइक सैम्पलिंग स्टेप्स के, रीसाइज करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, रीसाइज में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी बॉटम के जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सारे आपके सेव है, सिंपली क्लिक कर दीजिए जनरेट। ऑल्सो जब आप यहाँ पे इमेज इमेज ऑप्शन पे जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस इन पेंट के अंदर लाइक ये मेरे पास एक रेंडर्ड इमेज है जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है एंड देन सी मुझे क्या करना है, मुझे इस एरिया के अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको देखो 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको अंडू करने के लिए है, ये आपको क्लियर करने के लिए, इमेज को हटाने के लिए है और ये यहाँ पे आपका ब्रश साइज क्या होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतने बड़े एरिया को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे लाइक दिस। ठीक है तो लेट्स सी मैंने इतना यहाँ पे रखा। यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे ऑप्शन, तो आपको मॉडल को रीसाइज करना है तो आप यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं। मास्क ब्लर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे मास्क कॉन्टेंट, ठीक है इन पेंट एरिया तो कितने एरिया पे आपको पेंट करना है, लेट्स सी मुझे करना है ओनली मास्क, ये मैंने यहाँ पे रखा। ये यहाँ पर आ गए इसके पिक्सल्स, तो आप कितने पिक्सल्स पे काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। वही चीज़ आ गई सैम्पलिंग स्टेप्स, तो ये मैं यहाँ पे रखूँगी ऑलमोस्ट 40 सैम्पलिंग मैथड्स, DPM +2 2++2 m केरास, ये मैंने यहाँ पे इतना ही रखा। और कितने साइज में आपको उसको यहाँ पे रीसाइज करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स बॉटम के सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे सेम है। ठीक है कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी ये वाला जो एरिया ये मुझे यहाँ पे बेटर ट्री चाहिए, लेट्स सी इसे मैंने यहाँ पे चूज किया एंड क्या आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये मैंने यहाँ पे किया ट्री एंड सिंपल यहाँ पे करेंगे जनरेट। सो अभी क्योंकि हमने सिर्फ मास्क कंटेंट पे चेंजमेंट किया है तो वो ओनली इस एरिया के अंदर मुझे चेंज करके प्रोवाइड करेगा, बाकी कंप्लीट इमेज मुझे यहाँ पे सेम ही मिलने वाली है। ये एरिया अभी आपको पहले ही कंपैरेटिवली मच बेटर मिलेगा, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई और चीज़ आपको ऐड करनी तो वो भी आप यहाँ पे सेम तरीके से कर पाओगे। ठीक है नाउ एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। नाउ लेट्स सी इस एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे चेंज चेक करेंगे। सबसे पहले क्लियर कीजिए इसे एंड यहाँ पे मैंने किया इस एरिया को सिलेक्ट एंड ये मैंने यहाँ पे रखा बर्ड्स या फिर फ्लाइंग बर्ड। एंड सी विद इन सम टाइम यहाँ पे क्या होगा, आपकी वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो ये एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो, एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं लाइक अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। सो जैसा हमारा जनरेटिव फिल यहाँ पे काम करता है सेम तरीके से आप यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन का भी यूज़ कर सकते हैं एज एन पोस्ट प्रोडक्शन। सो ये कंप्लीट आपका यहाँ पे प्रोसेस रहेगा इस पर्टिकुलर एआई टूल के ऊपर वर्क करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड काफ़ी कुछ आप इस वीडियो के थ्रू सीख गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी इसी तरीके के टॉपिक्स को हमारी वीडियोज़ में इंक्लूड करें सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एप्लीकेशंस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, उन कोर्सेज को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ जल्दी मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।